कि आपके इस्तीफे की वजह क्या रहेगी। एक सिंपल सी है जो राजस्थान पत्रिका में स्पष्ट भी हुआ, अगर यदि मैं रहता हूँ तो तीन ही परीक्षाओं का आयोजन हो सकता है क्योंकि पांच परीक्षाएं उसके बाद। इन आठों परीक्षाओं का आयोजन करवाने के बाद आपका जो इस्तीफा है वह स्वीकार पास है, लेकिन 7 अक्टूबर के बाद मैं रह नहीं सकता, 7 अक्टूबर तक तो मुझे फ्री होना ही होना है। सकारात्मकता के साथ कुछ नकारात्मकता, ऐसी तीन भर्तियां जिनको आप देखते हैं कि बोर्ड की एक छवि पर इन्होंने दाग लगाने की कोशिश की है, पेपर लीक माफिया या नकल। फॉरेस्ट गार्ड का एक पेपर था तो उसमें एक्चुअली कुछ प्रश्न परीक्षा शुरू होने से घंटा भर पहले लिमिटेड कुछ लोगों तक पहुँचे। जबरदस्त चर्चा थी कि हरिप्रसाद जी राजनीति के अखाड़े में उतर सकते हैं। स्वतंत्र है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन मैं अभी तक मैंने इस मामले में कोई विचार नहीं किया। अभी विधानसभा में एक बिल आया है सर, उम्र कैद की सजा पेपर लीक माफिया के खिलाफ, इसको कैसे देखते हैं क्योंकि युवाओं की सालों से मांग नहीं। ये इससे पॉजिटिव इफेक्ट निश्चित रूप से गया और बोर्ड की सतर्कता और इस कानून दोनों मिलकर निश्चित रूप से नकल माफिया पर नियंत्रण।